वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल देसी कुकिंग एक्सपर्ट पर, जहां सीखेंगे हम घर में उपलब्ध सामान से ही टेस्टी डिशेज बनाना। आज हम बनाने जा रहे हैं सेवई। उसके लिए हमें चाहिए थोड़ी सी सेवई, पिस्ता, गार्निश करने के लिए चीनी, देसी घी चाहिए और ड्राई फ्रूट्स जो कि मैंने यहाँ काट के रखे हैं, थोड़ा सा दूध चाहिए। तो चलिए अब हम बनाते हैं मीठी सेवई। इसके लिए हम फुल गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई को अपनी गर्म होने देंगे। हमारी कढ़ाई अब गर्म हो गई है। अब हम इसमें देसी घी डालेंगे और इसको डालने के बाद अपनी सेवई डालेंगे और इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। देखिए इस तरीके से हम इसे गोल्डन ब्राउन करेंगे। गैस को हम मीडियम ही रखेंगे वरना हमारी सेवई जल जाएगी। और तब तक जो हमने ये दूध लिया था इसको हम छोलने के लिए गैस करके हम इसको चढ़ा देते हैं ताकि हमारा ये दूध तब तक छोल जाए। और हमने इस सेवई को बराबर चलाते रहे ताकि हमारी सेवैयां गोल्डन ब्राउन हो जाए, ताकि हमें ये बराबर चलाना है। सेवैयां सभी को पसंद होती है, खासकर बच्चों को भी मेरी सेवैयां बहुत अच्छी लगती है। अक्सर करके हम लोग ये सावन में बनाते हैं और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट आती है। ये देखिए हमारी सेवैयां हल्की गोल्डन ब्राउन हो रही है। ये देखिए हमारी सेवैयां आप गोल्डन ब्राउन हो चुकी है सारी। अब हम इसमें डालेंगे तो दूध हमने गैस पर चढ़ा रखा था गर्म होने के लिए। तरीके से हमने इसमें दूध डाल दिया। हमने दूध गर्म इसलिए किया था ताकि हमारी कढ़ाई गर्म रहेगी और अगर हमने इसमें गर्म दूध डाला तो हमारी सेवैयां जल्दी पकेंगी। अब हमें इन्हें चलाते रहना है जब तक कि हमारी सेवैयां पक ना जाए। ये देखिए हमारी सेवैयां पकने लगी है। अब हम इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स डालेंगे जैसे कि बादाम हो गया, काजू हो गया, किशमिश हो गया और जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है, ड्राई फ्रूट्स तो बहुत से आते हैं, आप इसमें आराम से डाल सकते हैं। ये देखिए लगभग हमारी सेवई अब पक गई है, हमारी सेवई ये मुलायम होने लगी है। ये देखिए हमारी सेवई बन गई है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी को हमने इसमें डाल दिया। अब हम इसे मिक्स करेंगे जब तक कि हमारी चीनी गल ना जाए। हम इसे चलाते रहेंगे क्योंकि हमारी सेवैयां पक चुकी है और अब हमारा दूध और सेवई लकड़े का नीचे तले में गर्म होता है। हम इसे बराबर इसी तरीके से चलाते रहेंगे अपनी सेवैयों को। ये देखिए हमारी सेवैयां बनकर रेडी हो गई हैं। अब हम इसे ड्राई फ्रूट्स डाल के गार्निश करेंगे और सर्व करेंगे। तो दूसरा बोलो। थैंक्स दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और देसी तरह से खाना बनाएं, खिलाएं और खाएं। शुक्रिया।